आईफोन कंपनी से इनबिल्ट आता है, तो सर ने तो आज ही वार्निंग दे दी भाई, आईफोन को छूना मत, जो कंपनी में ऑलरेडी डाला है वो आईफोन को वैसा ही रहने देना, उसको निकालना नहीं है। अपने बच्चे लोग तो बहुत कर्मी नहीं, मुझे पता है आईफोन निकाल के यूज़ करेंगे पर देखते हैं, 8.5 लाख का मशीन है वो, तो निकालेंगे तो नहीं, अभी सर ने बोला है कि निकालो मत, नहीं तो वो डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट है और आगे जैसे यार। भाई मेरे को कुछ का पता नहीं, पर भाई पे ट्रस्ट था भाई, पूरी आऊंगा आई, वो तो उठा देगा, पर नींद पूरी होगी क्या तेरी? मैंने मालूम है 5:25 में फोन शट डाउन किया, आप देखे ना मैं कैंडी क्रश खेला था रात में। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, भाई उठ गया मैं अभी, लगभग सुबह के कितने 7:38 हो गए, 7:38, और अपने को काम के सिलसिले में जाना है 9 बजे, तो यार बहुत जल्दी उठा दिया। अभी पहले नहाना पड़ेगा, पहले तो मैं अभी वॉशरूम जाके अब थोड़ा मुंह पे पानी डाल दिया मैंने, थोड़ी आंखें भी मेरे नींद होने के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण थोड़ी लाल लग रही थी, पर ठीक है कोई नहीं, मैंने पानी ला दी, पानी भर गया मेरा। पानी वैसे ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, ऐसे गुनगुना जैसा है, ठीक है, वैसे भी ठंडी भी नहीं इतनी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त है। अभी नहा लेंगे और फिर रेडी होके हम फिर निकलेंगे हमारे काम के हिसाब से, 9 बजे का टाइम दिया शायद उन्होंने। सब मेरे जो दोस्त थे वो यार रात को आए और 12-1 बजे तक सब जैसे दोस्त मिल के फिर बैठे, हम बातें हुई हमारी बहुत सारी, और 1 बजे फिर हो गए, तो सभी दोस्त मिल के बैठे 1 बजे वो गए, और लगभग मैं 1 से 1.5 बजे तक सोया होगा शायद, बट क्या कर सकते हैं अभी। मैंने टीवी ऑन करके छोड़ दिया था, बट सिर्फ वो ऑफ का बटन डाल दिया था, रात को मैंने एसी भी बंद कर दिया था वैसे। ऑन डायरेक्ट बटन से चालू करना पड़ेगा शायद। हाँ, बस शायद कि शायद से 5, 5.5, 6 घंटे सोया हुआ मैं शायद, नहीं ठीक से पूरी नहीं हुई ऐसा लग रहा है मुझे यार। हट यार, अलार्म लगा दिया था मैंने 7 बजे का, बहुत गंदे तरीके से आवाज़ कर रहा था यार, 3-4 टाइम अलार्म ऐसे बजता रहा, जाऊंगा नहीं चलो। और मेरा ना अभी सर दुखने गया, लग गया था यार बिना नींद के, और वो साला सर दुखा रहा था मेरा, ये सब बज रहा था, इसलिए फिर जाकर मैं बंद कर दिया। चलो अभी नहा धो के 8, 8:30 बजे तक रेडी हो जाएंगे, बाकी के दोस्त हैं उनके पास भी जाना पड़ेगा, अभी उनको भी उठाना पड़ेगा थोड़ा। क्या बात है, ग्रुप पे मैसेज भी आ गए यार, गुड मॉर्निंग है, इतना सुबह सुबह कौन उठता है यार, मुझे तो 8, 8:30, 9 बजे ही उठने का टाइम, यही सही रहता है मेरा, 7 बजे तो बहुत हार्डली उठता हूँ मैं कभी कभार। चलो ठीक है, 2 दिन उठना है बस। चलो अभी मस्त नहाता हूँ, नहा के फिर मस्त आता हूँ फिर, ठीक है, बाय बाय। बराबर 4 बजे सोया तू? लास्ट चैट कर रही थी मैं। बाप रे, तो कितने घंटे? 2 घंटे सोया भाई, मेरे को कुछ का पता नहीं, पर भाई पे ट्रस्ट था भाई, पूरी आऊंगा आई, वो तो उठा देगा, पर नींद पूरी होगी क्या तेरी? मालूम है 5
5:25 में फोन शट डाउन किया, आप देखे ना मैं कैंडी क्रश खेल रहा था रात में। तो जैसा कि देखा आपने, अभी मैं फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके अभी दोस्त लोगों के साथ जाऊंगा ऑफिस, जहाँ पे हमारी 2 दिनों की ट्रेनिंग है। तो वहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। तो दिन का तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, पर शाम का आपको मैं यहाँ पे वापस फिर होटल का डिनर का और हमारे दोस्तों के साथ आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। दोस्तों के पास चलते पहले। अरे भाई सब लोग खड़े, एक सेल्फी लेना ना सबके साथ में, मस्त वीडियो ले लेते। चलो सेल्फी ले लेते। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे जो डिनर में है वो नॉन वेज और वेज दोनों है, जैसे चिकन भी है और दाल चावल रोटी और स्वीट में भी गुलाब जामुन भी है। तो काफ़ी अच्छा डिनर है आज का भी। तो आज हमारा इस होटल का आखिरी दिन है, कल हम होटल से चेकआउट करके वापसी अपने घर को जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो थी 2 दिनों की थी तो वो कम्प्लीट हो चुकी है अभी। तो काफ़ी होटल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, होटल क्लासिक ग्रैंड करके है और दूसरा नाम जो इस होटल का है ट्रिबू क्लासिक स्क्वायर करके भी है पुणे में। तो काफ़ी अच्छी होटल थी, मतलब फैसिलिटी काफ़ी अच्छे थे हर टाइम पे। उन्होंने जैसे ड्रिंक ऑफर किया, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा था, रात का डिनर अच्छा था, लंच भी था, लेकिन लंच के लिए हम रुकते नहीं थे होटल पर क्योंकि हमारा ऑफिस का टाइम मतलब पूरा दिन था ट्रेनिंग का, तो लंच हमारा उधर ही हो जाता था कंपनी की तरफ से। तो कंपनी भी अच्छी है जिसने हमारा मतलब ट्रैवल से लेके रहने का हो गया या फिर हर एक चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया है कंपनी ने, तो बहुत अच्छी कंपनी थी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो मतलब दिन जो था वो बहुत बिजी एकदम था, मतलब बिजी आज का पूरा दिन का शेड्यूल था। जैसे मार्केट में अभी ECG के नई अपडेटेड मशीन आई है वो देखी हमने, उसको कैसे चलाते हैं, वो कैसे वर्क करता है वो हमने प्रॉपर से देखा। उसके बाद जैसे अभी न्यूरो टच एक मशीन है जो कि शुगर पेशेंट के लिए यूज़ होता है, जो डायबिटिक पेशेंट जो भी है उनके जो अभी टेस्ट आए हैं, जैसे नॉर्मल जैसे अभी फास्टिंग PP करते हैं, उसके बाद जैसे HbA1c हो गया, तो अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें कैसे अभी एक मशीन पूरे टेस्ट करती है वो मशीन देखा हमने। और उसके बाद जैसे अभी नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी रिलेटेड एक मशीन आया है जो किडनी का प्रॉपर एनालिसिस करता है कि किडनी हमारा मतलब कितना स्ट्रांग है, कितना चलेगा, और अगर उसमें कोई वीकनेस है तो जितने भी टेस्ट है वो दिखा देते कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने एक और मशीन देखना है लेकिन वो अभी कल देखेंगे क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला उतना, ये 2-3 मशीन में ही टाइम बहुत चला गया क्योंकि वो मशीन बहुत मतलब लैक ऑफ मतलब ज़्यादा ही बोलूँगा, जैसे एक मशीन 1.5 से 2 लाख के ऊपर ही जा रहा है, तो उसका मतलब प्रिकॉशन से लेके जैसे अभी वो यूज़ करने हैं हमको हमारे फील्ड में, तो उनका पूरा नॉलेज लिया था हमने। अभी और एक मशीन है जो बेसिकली अपने शुगर पेशेंट के लिए यूज़ होगी वो मशीन, बट वो बेसिकली जो अपनी आँख है, जो आँख में जो भी आयरिस होगी पपील होगा, तो उसमें जो मतलब नैनो कैमरा बोलेंगे उसको, जो कैप्चर करके आँखों को स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम ढूंढ के निकलता है। तो वो मशीन मतलब मेरे ख्याल से 8 या 8.5 लाख का वो एक ही मशीन है, तो उसके लिए तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा मतलब उसको प्रॉपर सीखने के लिए। तो कल वो मशीन से हमें स्टार्ट करना है कि वो मशीन जैसे स्टार्ट कैसे करनी है, चलाना कैसा है, उसकी थोड़ी कुछ प्रिकॉशन से क्या क्या हमें फॉलो करने हैं। तो कल 2 मशीन का मतलब वो देखेंगे हम क्या है कैसे है। तो
आज का दिन तो मतलब पूरा एकदम से बहुत ही बोरिंग ही कह दो आप, मतलब पूरा बिजी, एकदम बिजी आज का डे था। जैसे सुबह इधर से 7 बजे तो मैंने अलार्म लगा दिया था, तो अलार्म जैसे बजते रह गया तो मैं 7:30 या 7:45 बजे उठ गया। तो थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके फिर सीधा अमर जो सर है वो उन्होंने कॉल किया, जल्दी आ जाओ ब्रेकफास्ट करो क्योंकि आगे टाइम हो जाएगा तो जल्दी निकलना है। तो फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट मुझे पता था क्योंकि ट्रेनिंग का भी मतलब जो भी हमको जो मशीन्स इक्विपमेंट जो भी दिखाने वाले थे, मुझे लगा कितना टाइम लगता है क्या लगता है। मस्त खा लिया अच्छे से, गए उधर। तो सुबह का ही ना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से मतलब पेट भर के कर लिया था, तो उधर 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। लंच था उधर तो लंच भी कर लिया हमने। फिर तो नींद ही नींद आने लग गई थी, ज़्यादा ही खा लिया फिर नींद आ रही थी। तो लास्ट के 2 सेशन तो एकदम बड़ी मुश्किल से निकाले। सर को बोला अभी जाने दो, छोड़ो यार जाने दो, अभी ना नींद आ रही है। तो जैसे तैसे रूम पे आए, फ्रेश हुए। फिर आज वैसे आपने वीडियो में देख ही लोगे अभी क्या, फिर स्टार्टिंग में डाल दूंगा। मैंने आज स्पेशली चिकन बोला था सर ने, मस्त चिकन विकन खाओ। तो बॉयज़ के साथ मस्त चिकन पार्टी चली आज मस्त। आज का दिन वैसे बोरिंग ही था और अच्छा मतलब इंटरटेनिंग और एक्साइटमेंट भी वो भी थी, क्योंकि क्या है बाहर आए हैं थोड़ा घूमने, तो दोस्त लोग हो तो इंटरटेनिंग मतलब रहता ही रहता है, एंजॉयमेंट मस्त। आज का दिन बोरिंग अच्छा मिक्स था एकदम। कल का थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा क्योंकि अभी इस होटल में मुझे लगभग ये होटल में मतलब मैं अकेला ही रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ये पार्टनर है वो तो कोई आया नहीं। मतलब आता है, कल आया था शाम को, अरे शाम को मतलब शाम को आया तो रात के 10, 11, 12 बज गए। बातें करते करते मतलब हमने रात आधी तो निकाल दी। अभी वो भी मतलब उसको रिटर्न जाना था, वो बात करने लगा। चलो अभी उसको ये मना भी नहीं कर सकते कि भाई अभी तू चला जा घर पे बैठ भाई बात कर, अभी आए हैं। तो मिडनाइट तो ऐसे भी हो चुका था हमारा, फिर नींद भी पूरी हुई नहीं। तो कैसे इसका पास में घर इधर पुणे में, तो फिर वो उस होटल पे इधर नहीं आता, उसकी फैमिली है तो बोले कि नहीं मैं फैमिली को टाइम दूंगा, तो फिर चला जाता है वो शाम को। आज भी नहीं आया आज तो, क्योंकि आज दिन इतना खराब गया कि वो भागने वाला था कैसे इधर कर, जल्दी ख़त्म करो मुझे घर पे जाना है, मतलब नींद आ रही थी पूरी। तो आज तो रूम पे आया भी नहीं, तो आज भी अकेला हूँ मैं रात को। तो अकेले यार मतलब इतना मिडनाइट 1 बज गया था तो भी अकेले रहने की आदत नहीं ज़्यादा, तो टीवी लगा के आवाज़ कर दिया और सो गया भाई। टीवी की आवाज़ से मतलब तो भी मैं अच्छे से सो गया, नींद वैसे पूरी हो गई। 5-7 घंटे हो गया मतलब नींद हो गई थी मेरे 5-7 घंटे में। तो कल स्ट्रगलिंग कैसे रहेगा, कल जो दो जो मशीन मैंने बोला आपको जो, क्योंकि वो मशीन में लगभग अभी उन्होंने जो कंपनी जो मशीन बनाई है उसमें आईफोन कंपनी से इनबिल्ड आता है, तो सर ने तो आज ही वार्निंग दे दी भाई आईफोन को छूना मत, जो कंपनी में ऑलरेडी डाला है वो आईफोन को वैसा ही रहने देना, उसको निकालना नहीं है। वैसे अपने बच्चे लोग तो बहुत कमी नहीं, मुझे पता है वो आईफोन निकाल के यूज़ करेंगे पर देखते हैं। 8.5 लाख का मशीन है वो, तो वैसे आप निकालेंगे तो नहीं, अभी सर ने बोला है कि निकालो मत, नहीं तो वो डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट है और आगे जैसे उनके मतलब अलग से ऐप रहेंगे जो डायरेक्ट सेंट्रल से कनेक्ट, मतलब जो भी ऑफिस है सेंट्रल उससे उसको पता चल जाएगा वो कनेक्ट है उससे, तो इनबिल्ट तो देखते हैं। पर मुझे तो टेंशन पड़ गया यार, ये या मशीन इतना महंगा है और क्यों दे रही यार फालतू में, कर टूट फूट गया था फिर तो, फिर अपने पेमेंट से कटेंगे भाई। निकलते यार, कल सर को बोल देना पड़ेगा कि अगर कुछ इंटरनल एरर आएगा तो भाई वो जिम्मेदारी हमने ले लेंगे। टूट फूट गया वो बात अलग है, वो सर से पहले बात करनी पड़ेगी। पर अच्छा है अभी मुझे लगभग आज फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड डे, कल फोर्थ डे में मस्त चेकआउट करेंगे वो मशीन का क्या देख लेंगे, फिर निकलेंगे फिर अपने घर को नासिक।
चलो बाय बाय।